ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15 टाइम जो होने वाला है 24 जनवरी 2021 को, उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं अपडेट लेकर आया हूँ। ये जो अपडेट है ये मैंने अपने फ्रेंड से अभी कोऑर्डिनेट करी है, उस फ्रेंड ने मेरे को बताया, तो मेरे को लगा कि आप सभी लोगों को उस अपडेट के बारे में बताना चाहिए और अपडेट करना चाहिए। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग अपडेट है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15 टाइम 24 जनवरी 2021 को देने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ कि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से कर कराएं। अब एक मेन मुद्दे की बात मैं स्टार्ट करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखते हुए, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैं सबसे पहले जल्दी से जल्दी आपको अपडेट बता देता हूं। सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 15 की अपडेट आ रखी है उसके अंदर बोला गया है कि जो COVID-19 का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप सभी लोगों को अपने साथ में रखकर जाना है कि COVID-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके अंदर सिंपल आपको लिखना है कि मेरा नाम ये है, मेरी डेट ये है और मैं जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 15 टाइम देने आया हूँ अपने एक सेंटर में, या तो मैं ट्रेन से आया हूँ, बस से आया हूँ, या अपना व्हीकल लेके आया हूँ, या फ्लाइट लेकर आया हूँ, या मेरा अपना व्हीकल लेके आया हूँ, तो व्हीकल का नंबर आपको लिखना पड़ेगा और अपना बताना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, यानी कि मेरे को जो है कोई भी सिम्टम नहीं है कफ्स के या फिर कोई भी COVID-19 के कोई भी सिम्टम्स नहीं है। आपको अपना नाम, रोल नंबर, क्लैरिफिकेशंस, सारे का सारा एड्रेस और अपना डेट और अपनी जगह और अपना सिग्नेचर ये फिल करके आपको COVID-19 का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा और आपको स्क्रीन के ऊपर भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो शो हो रहा होगा। ये मैं अभी इस बात को मैं क्लियर तौर पर बताना चाहूँगा कि ऑफिशियली मैंने बहुत जगह देखा ये मेरे को नहीं मिला, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि आपको मतलब बताना चाहिए सभी लोगों को, इसलिए मैं आपको इमरजेंसी में ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी उन सभी लोगों को मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि एक ही फॉर्म है, सिर्फ एक ही पेज का फॉर्म है, आपको 2-3 चीज़ें भरनी होंगी, प्रिंट निकाल कर 2-3 चीज़ें भर के अपना जब आप पेपर देने जा रहे होगे तो उस फॉर्म को भी साथ लेकर चले जाना। अगर उन्होंने मांगा आपके एंट्री गेट पे एडमिट कार्ड के साथ में तो अच्छी बात है कि आपके पास सारा का सारा डॉक्यूमेंट पूरा रहेगा, आपके पास किसी भी तरीके की टेंशन नहीं रहेगी कि आप सभी के पास ये डॉक्यूमेंट है मैं लेकर नहीं आया, तो आपके पास इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी। तो आप सभी लोग जो हैं अपने साथ COVID-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15 के लिए आप लेकर चले जाना, ताकि आपको ये कुछ रिग्रेट ना हो कि सभी लोगों के पास फॉर्म है, मैं अवेयर नहीं था तो मैं अपना फॉर्म जो एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं लेकर आया। अगर उन्होंने नहीं मांगा तो कोई बात नहीं, एक तरीके से आप अवेयर रहोगे ये मेरे पास अपडेट आई है। और जो डॉक्यूमेंट जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा और 100% आप उसे बस क्लिक करें, आपके पास फॉर्म आएगा, प्रिंट करके उसके अंदर डिटेल्स फिल करके अपने बैग के अंदर आप अभी के अभी रख लीजिए। साथ ही में आरोग्य सेतु ऐप आप सभी के पास होना चाहिए और जो वहाँ पे QR कोड जो है आरोग्य से तो ऐप का वहां पे स्कैन करना होगा, ऐसी भी इंफॉर्मेशन मेरे को मेरे फ्रेंड ने प्रोवाइड कराई है। अगर जिन सेंटर्स में ये फैसिलिटी यानी कि ये अपडेट यानी कि ये जो फैसिलिटी COVID-19 की वजह से और AIB ने अरेंज करा रखी है, कुछ सेंटर्स में मेरे मुताबिक ऐसा हो सकता है कि अवेलेबल हो और कुछ सेंटर्स में मुझे लगता है कि ऐसी अवेलेबिलिटी ना हो, तो फिर भी हमारा काम है अवेयर करना आप लोगों को और आपका काम है कि ऑलरेडी एक स्टेप पहले अवेयर रहना। तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करके ये डिटेल्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराइए ताकि आप सभी लोग अवेयर रहो और अपने साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर जाइए। फाइनली मैं आपको सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15 का जो 24 जनवरी 2021 को होने वाला है आप सभी लोग अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।